हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। संपूर्ण माह व्रत और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का माह माना गया है। इस मास से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो व्रत, पूजा, ध्यान और साधना का काल माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से किए जाने वाले सभी कार्य इस माह में सफल हो जाते हैं। हालांकि इस साल श्रावण मास के महीने में हर साल जैसी धूमधाम देखने को नहीं मिलेगी। सावन के पहले सोमवार से ही मंदिरों में भगवान शिव और पार्वती के दर्शन और पूजा के लिए भक्तों की लाइन लग जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल लोगों को अपने घरों में रहते हुए ही सावन मनाना होगा। इसके अलावा सावन के महीने में आयोजित की जाने वाली कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष नहीं होगी। देशभर में फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी त्योहारों को लोगों को अपने घरों में ही मनाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी तेजी से संक्रमित होता है और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में इसके फैलने का अनुमान और भी ज़्यादा रहता है। इस वजह से श्रद्धालुओं को इस साल सावन भी अपने घरों में ही रहकर मनाना होगा। सावन मास के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के अंदर भोले बाबा की विशेष झांकी सजाई गई है श्री जिले राज मंदिर राजा पार्क में। इस महीने का एक बड़ा महत्व है क्योंकि इस महीने के अंदर समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर ने हल हल इसका पान किया था। इसी महीने के अंदर पार्वती मैया ने कठोर तप करके भोले बाबा को अपने पति स्वरूप धारण किया था, पति रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इसे कहा जाता है कि इस माह के अंदर अनेक प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार के दोषों का निवारण होता है। नवग्रह आदि की शांति के लिए भगवान महामृत्युंजय का अनेक प्रकार से अभिषेक आदि करण किए जाते हैं। नवग्रह शांति के लिए नाना प्रकार से अभिषेक किए जाते हैं, दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत इत्यादि से, गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इस समय जो महामारी जो चल रही है कोरोना वायरस, इसको शांत करने के लिए भगवान महाकाल से हम सब प्रार्थना करें कि ये बीमारी अतिशीघ्र नापूर्वक शांत हो, जल्द से जल्द ये बीमारी मिट जाए। और इस लॉकडाउन के चलते हुए, कोरोना महामारी के चलते हुए सभी मंदिर परिसर बंद पड़े हैं, तो मैं सभी श्रद्धालुओं से विनती करता हूँ कि आप घर पर रह करके भगवान भोले बाबा की सेवा करें। घर पर रह करके पार्थिव शिव पूजा होती है, जो मिट्टी आदि से निर्माण होकर की जाती है, आप उसका पूजन करें, उसका अभिषेक आदि करें। घर में रह करके भगवान भोले बाबा की महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, नमामि समीक्षा निर्वाण इत्यादि स्तुतियों का गायन करें और भोले बाबा की सेवा प्रति रूप से आप करते रहें। भोले बाबा की सेवा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और इस सावन मास में जो आपने सेवा की उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्रावण मास की क्या महत्ता रहती है कि भगवान शिव को इस माह में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा जाता है, रुद्रपाठ का अभिषेक भी करवाया जाता है, पर इस बार कोरोना काल में ये सब नहीं हो पाएगा, तो इस बार क्या विशेष रहेगा? देखो, वैसे तो सावन काल के अंदर नाना जो भी अपने यहाँ पे जितने भी मठ बने हुए हैं, जितने भी मंदिर परिसर बने हुए हैं भोले बाबा के, वहाँ पर अनेक अनेक चीज़ों से, वस्तुओं से भगवान भोले बाबा का अभिषेक होता है। पर कोरोना वायरस के चलते हुए वहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं है, तो उनके लिए जो पुजारी जी हैं वही उसकी सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस कोरोना वायरस के अंदर जब चल रहा है कोरोना वायरस, इसको शांत करने के लिए विशेष रूप से जो धातु बताई गई है, जड़ी बूटियाँ बताई गई, उनका अभिषेक बताया गया है और नाना प्रकार की पंचामृत आदि का अभिषेक बताया गया है, जिससे भगवान भोलेनाथ इस बीमारी को शांत करें। जय भोलेनाथ। इस बार कोरोना वायरस की वजह से समस्त मंदिर प्रांगण बंद पड़े हैं। इस विशेष सावन महोत्सव पर 5 सोमवार इस सावन मौसम में विशेष आएंगे। इस समय में जनता का आवागमन तो बंद रहेगा, लेकिन मंदिर के पुजारी हमारे इस मंदिर में शिव झूलेलाल भगवान मंदिर परिसर में शिव प्रतिमा पर हमारे पंडित जी पूरी रीति रिवाज से
पूज्य अर्चना से रिधि सिद्धि से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और हमारे शिव भोलेनाथ की झांकी श्री पंडित जी ने अपने कर कमलों से हर तरह सजाई है, लेकिन भक्तों के आवागमन के न होने से ये मंदिर प्रांगण पुजारी और हमारे यहाँ के पुजारी जो हैं वही सारे देखभाल कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। अच्छा होता इस 500 वार में पूरी जनता सब साथ देती, जनता तो साथ है ही लेकिन कुदरत भी साथ देती तो ज़्यादातर। भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना अर्ज़ है कि कोरोना वायरस का जल्दी निवारण हो और हम सब भोले भक्त और पूरी दुनिया भक्त भक्तजन हर मंदिर में पूरी जिस तरह हर त्यौहार में पूरी सजा जजा से साथ त्यौहार मनाया जाता है उसी उत्साह और आनंद से हम फिर सभी मंदिरों में शामिल हों। ज़्यादा उत्साह बढ़िया सबकी मुराद पूरी हुई। ये अरदास हमारे पुजारी हर रोज प्रतिदिन मंदिर में करते रहते हैं और हम सब भी भक्तों और दर्शनार्थियों से अर्ज है कि अपने घर बैठे बैठे भोले शंकर की और हर अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करें और दुआएं करें और भगवान से अर्ज करें कि जल्दी इस कोरोना वायरस से छुटकारा हो और सभी मंदिरों में वैसे वैसे फिर उत्साह देता हम शामिल हों।